हेलो एवरीवन, ये वीडियो मैं सिर्फ उन लड़कों के लिए बना रहा हूँ, मतलब जो जैसे कि अपनी गर्लफ्रेंड को पीछा करते हो या फिर किसी अननोन लड़की या फिर किसी भी लड़की का पीछा करते हो, तो उनके लिए है। जनरली क्या होता है कि हम इस एज में मैक्सिमम लड़कों को क्या होता है, पता नहीं होता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं। अभी जैसे कि हम सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में जब मेरी पोस्टिंग लगी थी, तो वहाँ वैक्सीनेशन के लिए गए थे और RT-PCR टेस्टिंग के लिए गए थे। तब वहाँ पे क्या, मतलब जब हम जो वहाँ पे थे क्रिमिनल्स, उनसे बात करने पे ये सब का सब मतलब यही सिर्फ बोलते थे कि सर हमको पता नहीं था, गलती से मिस्टेक हो गया और फिर हम यहाँ चले आए और यहाँ मतलब हम इतने दिन से रह रहे हैं। तो सारे मतलब मैक्सिमम जो वहाँ पे क्रिमिनल थे, उनका यही कहना था कि हमें पता नहीं था, पता होता तो हम ऐसा ना करते। तो मैक्सिमम इस एज में मतलब कि एटलीस्ट मैं ये बोलूँगा, इस एज वाले जो लड़के हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो जनरल बेसिक लॉ होते हैं, बेसिक जो नियम कानून है डेली रूटीन वाले, जैसे बाइक वगैरह का, ये सब थोड़ा स्टडी कर लें, उनको पता रहना चाहिए। नहीं तो मैक्सिमम टाइम हम भी मान लीजिए वही मिस्टेक से गलती वो कर दें, अनजाने में वो गलती कर दें, और फिर जब सज़ा मिले तो फिर हम भी यही पछतावा करेंगे, अरे यार पता होता तो हम ऐसा ना करते और हमें ये ना होता। तो जो लड़के जैसे कि फॉलो कर रहे हो किसी गर्ल्स को, या फिर गर्ल्स तुम पे मतलब तुम में इंटरेस्टेड ना हो, फिर भी तुम उसका नोटिस कर रहे हो, उसकी एक्टिविटी नोटिस कर रहे हो, बार बार उसको परेशान कर रहे हो, तो ऐसा ना करो। क्योंकि जब तुम लॉ पढ़ोगे तो उसमें तुमको एक टर्म मिलेगा जिसको बोलते हैं स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मतलब होता है पीछा करना किसी का, पीछा करना, और पीछा करना इन द सेंस ये नहीं कि सिर्फ फिजिकली मतलब तुम रियल में पीछा कर रहे हो, मतलब ना इसका मतलब ये होता है बार बार उसे या भी अकाउंट पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं जाके उसको मैसेज करना, वो मना कर रही फिर भी मैसेज करना, मना कर रही है रोड पे भी जा करना, या फिर कहीं भी बाई एनी वे एनी कम्युनिकेटिंग मीडियम से तुम उसका अगर फॉलो कर रहे हो या कहीं पीछा कर रहे हो, बार बार उसके परेशान कर रहे हो, तो इसी को बोलते हैं तुम्हारा स्टॉकिंग। अब इसमें क्या होता है, ये क्यों मतलब मना कर रहा हूँ करने से, ये इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ये जो होता है ना एक कॉग्निजिबल और नॉन वेलेबल, मतलब पहली बार अगर गलती करोगे कॉग्निजिबल मीन्स होता है संगीन, मतलब जैसे रेप हो गया और फिर क्या बोलते हैं किसी को मर्डर कर दो, तो उसमें तुमको नोटिस नहीं भेजी जाएगी, डायरेक्ट पुलिस जाएगी और तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो वैसे ही इसमें भी होता है ना, कॉग्निजिबल होता है और पहली बार अगर कर रहे हो तो ये बेलेबल होता है, मतलब तुमको बेल मिल जाएगी, छूट जाओगे, हाँ जमानत मिल जाएगी। लेकिन अगर दूसरी बार यही गलती की हो, मतलब दूसरी बार अगर पुलिस में लड़की गई, तुम बेटा तब जेल ही रह जाओगे, क्योंकि तभी कॉग्निजिबल मतलब संगीन अपराध तो है ही, नॉन बेलेबल मतलब छुट्टी भी तुमको नहीं मिलेगी, अब तो मतलब एकदम से तुम जेल ही रह जाओगे ना। तो इसलिए ये पता होना चाहिए तभी यार, मतलब एटलीस्ट जो लड़की तुम्हें इंस्टेंट है उसको फॉलो करो, उसको तो चाहे जहाँ फॉलो करो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मना कर रही है तुम्हें, एक दो बार मना कर दी, तो बार बार उसको परेशान ना करो, वरना अगर वो पुलिस स्टेशन गई तो तुम जेल में चले जाओगे और फिर हमेशा के लिए वहीं रहोगे, फिर बाद में ही पछताओगे, यार पता होता तो ना करते ऐसा।